भारत मोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में प्रशांत। तो आज एशेज सीरीज का जो शेड्यूल है उसको जारी कर दिया गया है। सुबह यानी कि आज वेडनेसडे सुबह इसको जारी किया गया और अब आपको 8 दिसंबर से एशेज सीरीज का एक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत होगी गाबा के मैदान से। तो गाबा के मैदान पर पहला जो टेस्ट मैच है वो एशेज का आपको 8 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच देखने को मिलेगा। वहीं जो दूसरा टेस्ट मैच है 16 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर से 30 दिसंबर खेला जाएगा। वहीं जो चौथा टेस्ट मैच है वो 5 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच खेला जाएगा। और जो पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच है उसकी तारीख 14 जनवरी से 18 जनवरी पर्थ में रखी गई है। अब इसमें खास बात यह है कि आपको जो दूसरा टेस्ट मैच है 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर का, जो कि एडिलेड ओवल में होगा, वो इस बार डे नाइट किया गया है, यानी कि डे नाइट आपको क्रिकेट देखने को मिलेगा। वहीं ये जो दौरा है ये थोड़ा लेट शुरू होगा, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के बाद जब ऑस्ट्रेलिया टीम वापस ऑस्ट्रेलिया आएगी तो उसको क्वारंटीन में रहना होगा 14 दिन। साथ ही साथ इस टेस्ट मैच से पहले, इस एशेज से पहले, ऑस्ट्रेलिया एक खास टेस्ट मैच भी खेलेगी जो होगा अफगानिस्तान के साथ में। जी हाँ, 27 नवंबर से टेस्ट मैच शुरू होगा जो अफगानिस्तान खेलेगी। और अफगानिस्तान पहली बार टेस्ट मैच का दर्जा जो मिला है टीम को, उसके बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच खेलने जा रही है। उससे पहले भारत और तमाम टीमों से अफगानिस्तान की टीम खेल चुकी है। लेकिन एशेज बहुत बड़ी सीरीज होती है, हर बार हम देखते हैं एक राइवलरी होती है इंडिया पाकिस्तान जैसी, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में होती है वैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में होती है, जो आपको 8 दिसंबर से गाबा के मैदान से शुरू होगी और ख़त्म होगी 18 जनवरी को पर्थ के मैदान पर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।